सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने पुलवामा के शहीदों को किया याद। कहां उड़ान भरेगी देश की पहली सीप्लेन और यूपी में क्यों है अलर्ट। देश भर की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। लौह पुरुष सरदार पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम ने पटेल को एकता और अखंडता का अग्रदूत बताया। इस मौके पर केवड़िया में पीएम ने एकता दिवस परेड की सलामी भी ली। आज से देश की पहली सीप्लेन सेवा की शुरुआत पीएम मोदी कर रहे हैं। साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच सीप्लेन सेवा शुरू हो रही है। इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि केवड़िया विश्व के टूरिज्म मैप पर छाने वाला है। केवड़िया की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। पुलवामा हमले को देश नहीं भूलेगा। अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आलू की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब भूटान से 30,000 टन आलू आयात करेगी। बिना लाइसेंस के आलू आयात की इजाजत मिल गई है, जिससे उम्मीद है कि आलू की कीमतें जल्द काबू में आ जाएंगी। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी डीएम और पुलिस को सुनिश्चित करने को कहा है कि राजधानी में सिर्फ ग्रीन पटाखे बनाएं और बेचे जाएं। लोग दीपावली के दिन सिर्फ रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं। फ्रांस के नीस में हुए आतंकी हमले के बाद यूपी के सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी मुख्यालय ने संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने और उपद्रवियों से सख्ती से निपटने का अलर्ट जारी किया है। फ्रांस के नीस में आतंकी ने 3 लोगों के सिर कलम कर हत्या कर दी थी। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 39.14 लाख करदाताओं को 1.27 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड जारी किया है। कुल टैक्स रिफंड में व्यक्तिगत आयकर रिफंड 34,532 करोड़ रुपए है और कॉरपोरेट टैक्स में रिफंड 92,376 करोड़ रुपए शामिल है। माता वैष्णो देवी की श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 1 नवंबर से 15,000 श्रद्धालुओं को रोजाना दर्शन करने की इजाजत दी है। अभी प्रतिदिन 7,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकते थे। इसके साथ ही 14 दिन के होम क्वारंटाइन की शर्त भी हटा ली गई है। देर रात मुंबई के लीलावती अस्पताल में बंजारा समाज के धर्म गुरु संत रामराव महाराज का निधन हो गया। रामराव महाराज देश भर में बंजारा समाज के प्रमुख संत थे। समाज के लिए काशी माने जाने वाले धाम पोहरा देवी तीर्थ स्थल पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।